नमस्कार भाइयों, राधे राधे। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी प्रदेशवासियों, भारतवासियों को। और मैं बता देना चाहता हूं कि अभी जो वोटिंग हुआ है, उपचुनाव हुआ है घोसी में, मैं घोसी की जनता से बता देना चाहता हूं और मीडिया भाई से बता देना चाहता हूं, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा मीडिया वाले, ताकि ये चुनाव है, एक मुद्दा है, इस पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ताकि जो अधिकारी वहाँ पे गणना होगी, रिकाउंटिंग तो होने ना दे, और रिकाउंटिंग होगी तो ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि उसमें वोट कम बेसी करके होगा, कितना वोट निकाला जाएगा। और जो अलाउंस करेगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा निगरानी अलाउंस वालों को होनी चाहिए। अलाउंस सही से होता नहीं है, अलाउंस को ऊपर नीचे करके जो अलाउंस करेगा वो आदमी सीधे बोल देगा, जिसका 56,000 है उसको 52,000 बोल देगा, और जिसका 52,000 है उसको सीधे 58,000 बोल देगा। ये कम बेसी वहीं पे होता है, हम जानते हैं, हम रहे हैं और हम कई चुनाव में रहे हैं, कई बार गणना में रहे हैं। जैसे जौनपुर में हुआ था 2022 का चुनाव, वहाँ पर गिरीशचंद्र यादव हार गए थे, सपा प्रत्याशी जीता था, 5,000 वोट से जीता हुआ व्यक्ति को डीएम साहब तुरंत आए, जो कि गणना 2 घंटा रुक गई थी, और आए तुरंत और कहे कि सपा को हराना है और बीजेपी को जिताना है। तुरंत डीएम साहब को बोले, अंदर से आदेश हुआ, मैं वहीं पे खड़ा था। अब भाई मैं अकेले वहाँ पे एक्शन कैसे ले सकता हूँ, मैं तो ड्यूटी कर रहा था वहाँ पर, फिर मैं गाड़ी चला रहा था और मैं प्रेक्षक साहब के साथ में था, वहीं पे बैठा था, प्रेक्षक साहब के अनुभव तुरंत आदेश हुआ, और प्रेक्षक हिमांशु कौशिक थे और डीएम साहब का नाम याद नहीं, भूल गया, 2022 में जौनपुर सदर की बात है। तो तुरंत आदेश कराया, तुरंत घोषणा हो गया कि गिरीशचंद्र यादव जीत गए 7,000 वोट से। मैं बोला वाह वही वाह, क्या बात हो गई यार, जो जीता हुआ व्यक्ति को हरा दिया गया और हरा हुआ व्यक्ति जीत गया, वाह वाह रे डीएम साहब। मैंने अपने मन ही मन बहुत कुछ कहा, चुनाव आयोग वाले ने बाहर गेटों पे कर दिया कि बाहर से लोग नहीं आ पाए, चुनाव जो आयोग अधिकारी छोटे मोटे जो कार्यकर्ता है वो तो ऐसे पलेरे के बानर हैं, बिल्ली जैसे। और अभी हमारे चंदौली में भी ऐसे हुआ था, मुगलसराय में जो हुआ था, देखे चेयरमैनी और सभासदी का चुनाव में नंगा नाच हुआ, पुलिस और प्रशासन को लाठी डंडे खाने पड़े, उनकी कोई औकात नहीं रह गई। तो घोषित जनता को मैं कहूँगा कि आप लोग, अपील आपसे कर रहा हूँ, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ताकि रिकाउंटिंग ना हो, और रिकाउंटिंग होती है तो गणना करके और जो अनाउंस करता है अधिकारी उसके पास ज़्यादा निगाह होनी चाहिए, और आप लोग भी उसको गिनती करिए, गिनती करके ही अनाउंस करने का आदेश करिएगा, और नहीं तो भीड़ जाइएगा, कुछ आपको उखड़ नहीं लेंगे, मरले पीछे बैठ गई ना, लौट के घरे गई ना, अरे आपके ऊपर मुकदमा होगा, जेल जाएंगे, यही ना होगा, तत्काल जो होगा होगा, बाद में देखा जाएगा, मुकदमा होगा नहीं होगा, होगा दोनों लोग की जांच होगी, अधिकारी की भी होगी और जनता की भी होगी। तो इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, मैं देख रहा हूँ और हम तो वहाँ हैं नहीं, और घोसी की जनता को मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जूझ के और अधिकारी को ये ध्यान रखिएगा, अधिकारी घपला करेगा, डीएम साहब जो चाहेंगे वही होगा, डीएम साहब को वहाँ आने न दीजिए, डीएम साहब का वहाँ पे अलाउ नहीं होता है अंदर जाना, डीएम साहब को नहीं, जो अधिकारी है वो गणना करे, घोषणा करे, डीएम साहब वहाँ पे निरीक्षण कर सकते हैं बार बार, अंदर जाने का आदेश नहीं है। धन्यवाद।